अ वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम टू यू आप सभी प्यारे साथियों का स्वागत अभिनंदन व वंदन। आई हेल यू एट इवास, वेलकम टू ऑल। हमारे बीच जो भी साथी हमें ज्वाइन कर चुके हैं उसमें सबसे पहला नाम स्क्रीन पर प्रतिमा सहगल जी का आ रहा है, अजय जी हैं, नमस्कार, सभी का वेलकम। अपने साथियों को भी बताएं कि इवास ऐप कैसे डाउनलोड करना है, और जिन्होंने इवास डाउनलोड नहीं किया तो क्या किया। मन्नु जी आ चुके हैं, अपने साथियों के साथ अगर वो आपसे जानना चाहें तो इस नंबर को शेयर कर लिया करिए, है ना। जितना बड़ा परिवार होगा पढ़ने में भी उतना ही आनंद आएगा। इवास कम्युनिटी को बढ़ाते चलिए। श्वेता जी आ चुकी हैं, अंजना जी, सभी का वेलकम है। माय डियर, आज हम लोगों ने इस बैच को अकम्प्लिश करना है। वी आर गोइंग टू अकम्प्लिश दिस बैच, ये फाइनल क्लास है। आज एक कोइंसिडेंस ये है कि संडे भी है, हमारे सभी साथी सभी बैचेस को हमने ज्वाइन किया है। सबसे बड़ी बात ये कि इतने लंबे समय तक, 6 महीने का एक लंबा टाइम होता है, और कंटिन्यूअस जिन लोगों ने हमारा साथ बनाए रखा, सो थैंक यू वेरी मच। उम्मीद करता हूँ कि आप रिवीजन बढ़िया से करते रहेंगे, 1 ईयर की वैलिडिटी दी गई है। साथ ही साथ में अभी नेक्स्ट संडे को एक टेस्ट आपका और लूँगा, और वो सेट नंबर 1 से लेकर के 150 के बीच कहीं से भी हो सकता है। यानी कि आप सारे सेट्स का रिवीजन करेंगे 1 वीक में। मंडे को न्यू बैच में आने से पहले एक बार ये रिवीजन कर जाएंगे। आपके मन में ये प्रश्न बार बार उठता है कि लिटरेचर का क्या होगा। आप लोग बहुत अच्छे से जान लें कि ये 15 मई को जो फाउंडेशन बैच आ रहा है, तो 15 दिन तो हम कोई नया काम नहीं करेंगे, लेकिन 1 जून से लिटरेचर की टॉपिक वाइज प्रैक्टिस होगी। जो बैच हमारे टीजीटी पीजीटी में ज्वाइन है उन्हें कोई भी नया बैच नहीं परचेज करना है। ये भी ध्यान रखिएगा कि मैं बैच अनाउंस करूंगा वो उन लोगों के लिए है जो बाहर से आ रहे हैं या जो हमारे टीजीटी पीजीटी में नहीं है, बहुत ही नॉमिनल चार्जेज रहेंगे उसके। ये हमारा जो एप्लीकेशन है, हाँ, लिटरेचर का टेंशन नहीं लेना, हम बता रहे हैं ना कैसे कैसे काम चलेगा लिटरेचर। अब अभी प्रदीप जी हमसे रिक्वेस्ट किए थे कि सर रिवीजन सीरीज को शुरू करिए, रिज्यूम करेंगे यूट्यूब में। रिवीजन सीरीज जो है उसके माध्यम से लिटरेचर और लैंग्वेज दोनों प्रैक्टिस आपको मिलता रहेगा। इसके साथ ही साथ एक बात और भी है और जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो ये, चाहे हम 3 डेज लिटरेचर 3 डेज लैंग्वेज कर देंगे, साथ ही साथ में मैं आपको ये बता दूं कि टॉपिक वाइज प्रैक्टिस लिटरेचर वीकली तो मैं आपको दूंगा ही, संडे टू संडे। जैसे मैंने बोला कि इस संडे को मिल्टन का रिवीजन करके आना है, जो संडे आ रहा है ना, और मिल्टन की प्रैक्टिस होगी और मिल्टन का ही ऑनलाइन टेस्ट होगा। मेरी बात आपको समझ में आ रही है, तो आप टेंशन मत लीजिए। बस मैं जैसे जैसे कहता जा रहा हूँ वैसे वैसे आप करते जाइए। गुड नाइट नहीं बोलना है, गुड इवनिंग बोलना है, अभी हम लोग मिल रहे हैं, अगर आप जा रहे हो तो अलग बात है। तो माय डियर, आपको जैसे मैंने बताया कि फाउंडेशन बैच में लॉन्च कर रहा हूँ, और हमारे इतने अच्छे विश्वसनीय साथी हैं कि जैसे ही बैच लॉन्च हुआ कई साथियों ने बड़ी संख्या में बैच को ज्वाइन कर लिया। अभी हमने सबको टेलीग्राम में भी नहीं ज्वाइन करा पाया। माय डियर, इस भरोसे को आप सफलता में परिवर्तित करिए, और ये हो जाएगा। कैसे होगा मैं आपको बताता हूँ। ये जो मैं फाउंडेशन जिसका नाम दिया हूँ, इसमें रेन एंड मार्टिन एक ऐसी बुक है जिसकी प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। रेन एंड मार्टिन की प्रैक्टिस को भी इनकी करेंगे, और ये कंप्लीट होगा होल एंड सोल, और साथ ही साथ स्पेशल फोकस हम वर्ड पावर यानी वैकब में करेंगे। जो वैकब सेक्शन है यानी वैकेबलरी, उसमें हमारा स्पेशल फोकस होगा, जहां से आप काफी क्वेश्चन गलत कर देते हैं। और यकीन मानिए कि आपकी सफलता का रास्ता ये 6000 MCQ प्लस ये आपका स्पेशल वैकब
और प्लस लिटरेचर में लगभग 4,000 एमसीक्यूज तैयार करवा रहे हैं। आप किसी धोखे में मत रहिएगा कि लिटरेचर का ध्यान नहीं दिया जा रहा है, हमें हर चीज का ध्यान है। एक्चुअल में हमको पता है कि अभी एग्जाम नजदीक नहीं है, इसलिए बहुत जल्दबाजी में नहीं है हम। बस जैसे ही कमीशन का गठन हो जाएगा फिर हमारी स्पीड आप देखिएगा। हाँ, इट्स योर ऑनर्स, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप रिवीजन करते रहें। जैसे मैंने बोला कि इस संडे को आपको कौन सा ऑथर रिवाइज करना है, मिल्टन। पीजीटी वाले सोचेंगे कि हम क्या करें, तो पीजीटी वाले ऐसा करेंगे कि जॉन कीट्स का रिवीजन कर लेंगे, राइट। उनको मैं जॉन कीट्स का स्पेशल टेस्ट दूंगा। अब तो क्लियर हो गया, जो ओनली पीजीटी वाले हैं, जो बोथ वाले हैं, उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मुझे एक बार दहाड़ के बताइए, किसी के मन में कोई डाउट तो नहीं है? अगर डाउट है तो डाउट लिखो, और नहीं तो थम्सअप करिए। हम लोग प्रोसीड करते हैं अपने आज की इस फाइनल सीरीज की ओर, जहां आप देखेंगे टॉप 50 क्वेश्चंस इंक्लूडिंग क्लोज टेस्ट। थम्सअप करके बताएं, लेट्स कमेंस टुडेज फाइनल सेशन। सभी साथियों का वेलकम है माय डियर, जो फटाफट हमारे साथ ज्वाइन कर लिए हैं। और मैं आपको एक बात भरोसे के साथ कह सकता हूं कि यदि आप 6 मंथ से हमारे साथ लैंग्वेज की आज फाइनल क्लास में सेटिस्फाइड हैं, तो आगे भी ऐसा ही होगा। बस दिमाग से सारे चिंता निकाल दीजिए, काम करना शुरू कर दीजिए, रिवीजन करिए। 1 घंटे लिटरेचर और 1 घंटे लैंग्वेज पर डे पढ़ते रहिए, और 1 जनवरी से रेगुलर लिटरेचर की प्रैक्टिस होगी, ओ सॉरी 1 जून से, और साथ ही साथ अभी वीकली चलेगा। जैसे कि मैं एक वन ऑथर वन वीक, एक वीक देंगे आपको और वहां पर एक ऑथर। बिल्कुल चिंता छोड़ दीजिए प्रवीण जी, सभी लोग। और ये रहा क्वेश्चन स्क्रीन पर, फाइंड आउट द एरर इफ एनी, ऑल द मेंबर्स इन द काउंसिल बिगिन शाउटिंग एट ईच अदर। क्वेश्चन बड़े ध्यान से देखिएगा, यहां पर मेंबर्स प्लूरल नंबर है, तो ईच अदर नहीं होगा। ईच अदर आता है 2 के लिए, 2 से अधिक का बोध हो रहा है, तो ईच अदर के प्लेस में क्या हो जाएगा जी? यहां पर वन अनादर हो जाएगा, वन एनादर, ऑप्शन सी। नो सूनर डिड द फिशरमैन अब्दुल सतर सी द बस प्लंग इन टू द रिवर दैट ही इमीडिएटली रोड हिज बोट टू द साइट एंड जम्प इन। अब देखिएगा ध्यान से, यहां पर क्वेश्चन नंबर 2 में ऑप्शन क्या बनेगा? सी, नो सूनर के बाद दैट नहीं देन आएगा, ऑप्शन क्या होगा जी? सी इज द राइट आंसर। अ पेयर ऑफ शूज वर स्टैंडिंग इन द कॉर्नर, क्वेश्चन नंबर 3। बहुत अच्छा आंसर, वेल डन माय डियर। अ पेयर ऑफ, जब हमारे सब्जेक्ट पार्ट में ऑफ लगा होता है तो ऑफ के पहले रियल सब्जेक्ट होता है, यानी अ पेयर सिंगुलर लेगा, वर नहीं होगा, वर के प्लेस में वॉज होगा, ऑप्शन बी राइट आंसर। वेरी गुड श्वेता जी, सुनैना जी, आरव यादव, प्रतिमा सहगल, रवि जी एंड अदर्स। द गवर्नमेंट डिसाइडेड टू स्टॉप ऑल सेल ऑफ डायमंड्स अब्रॉड बिकॉज ऑफ द रिसेंटली पास्ट रेजोल्यूशन। बहुत ही ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन, द गवर्नमेंट डिसाइडेड टू स्टॉप ऑल सेल, ऑल के बाद प्लुरल नाउन आता है, सेल्स हो जाएगा, ऑप्शन बी लगेगा। द राइट आंसर इज बी, ऑल सेल्स ऑफ डायमंड्स अब्रॉड बिकॉज ऑफ द रिसेंटली पास्ट रेजोल्यूशन। जो लोग सी लगा रहे हैं उनका दोष कहाँ से पैदा हुआ, उन्हें लग रहा है कि रिसेंटली गलत है, जबकि ये एकदम सही है। पास्ट क्या है माई डियर? पास्ट आपका एडजेक्टिव है और रिसेंटली एडवर्ब है, रिजोल्यूशन नाउन है, तो यहाँ कोई गलती नहीं है।
गलती कहां पर है, एरर देखना है तो बी ऑप्शन में है, सेल्स होगा। द एडवोकेट लीव द मैटर टू द मीडिया, ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा है और सभी लोग दिल खोल के आंसर करिए, सभी लोग माय डियर दिल खोल के जवाब करिए। दीपा जी है ना, बहुत दिन हो गया, अब अगर एक्टिव हो जाएंगी तो अभी भी कल्याण हो जाएगा, क्योंकि टीजीटी पीजीटी 100% मांगता है, पार्ट टाइम नहीं मांगता, याद रखिएगा। पार्ट टाइम जिसने इसको समझा वो पार्ट टाइम हो गया, अपार्ट हो जाएगा। तो माय डियर यहां पर आप देखेंगे, हाँ दीपा ही वो स्टूडेंट हमको नजर आ रही है जो काफी एक्टिव थी, लेकिन बाद में टोटली उसी रेशियो में इनएक्टिव भी हो गई, ऐसा कहने में मुझे जरा भी संकोच नहीं है। द राइट आंसर इज डी, यहाँ पर कोई भी एरर नहीं है। और रीता मौर्य जी बहुत अच्छा आंसर कर रही हैं आप, वेल डन, सुपर्ब सुपर्ब, बहुत अच्छा जवाब। और आज मैं लास्ट में, ओ मे गॉड ब्लेस यू कि लाइफ सही हो जाए। माय डियर आप ध्यान देंगे कि आज लास्ट में हम टॉप 10 कैंडिडेट्स के नेम भी बताएंगे, आप लोग जरूर सुनने के लिए तैयार रहिएगा। पिछले टेस्ट में टॉप 10 कैंडिडेट का नाम लेना जरूरी है जिन्होंने मेहनत की है, क्योंकि हमेशा 1, 2, 3 का नाम लेते हैं तो बकाया लोग थोड़ा सा सोचते हैं कि हमारा नाम कब आएगा। तो आइए देखते हैं, यहाँ पर ही हैड द नर्व टू सजेस्ट दैट आई वॉज चीटिंग, सिनोनिम बताना है माय डियर, नर्व करेज ऑडेसिटी कैपेसिटी स्ट्रेंथ। अब यहां पर नर्व का मतलब क्या है, ओ मे ही रिकवर सून, आई प्रे टू गॉड, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि जल्दी आपके परिवार में सब कुछ सही हो जाएगा। माय डियर नर्व का जो सामान्य अर्थ है वो तो हिम्मत लोग लगा लेते हैं, लेकिन जैसे कैसी हिम्मत दो तरीके की होती है, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, है ना। चीटिंग वाली हिम्मत नेगेटिव है, जब नेगेटिव आएगा तो आंसर क्या बनेगा, ऑडेसिटी। ऑडेसिटी का मतलब भी क्या है, हिमाकत, जैसे कहते हैं बड़ा ढीठ टाइप का आदमी है। द राइट आंसर इज बी, सभी लोग एक बार कमेंट में रन कराएं, नर्व डैश करके लिखें ऑडेसिटी। ऑडेसिटी का मतलब धृष्टता है किसी काम को करना जो दैट इज नेगेटिव। सतीश चंद्रा राइट, नेक्स्ट, योर डेस्पिकेबल रिमार्क्स कॉल फॉर नो रिप्लाई, सार्केस्टिक कंटेम्पचुअस क्रिटिकल और है कंटेम्पटेबल। कंटेम्पटेबल या क्रिटिकल क्या लगाएंगे आप, डेस्पिकेबल, तेजी से आंसर करेंगे 7 नंबर में, घृणित इसका मतलब होता है, ये कंटेम्प्ट से बनेगा। और राइट आंसर आपके सामने क्या हो जाएगा जी, डी इज द राइट आंसर, बहुत ही बेहतरीन आंसर है डी। कितने साथी हैं, रवि जी बहुत अच्छे, वेल डन श्वेता जी, रवि जी, अंजना जी, माय होम, शिवांगी एंड अदर्स। ही अर्न्स इनफ टू सेटिस्फाई हिज वांट्स डिजायर्स एम्स प्लेजर्स नीड्स। अब भाई हर आदमी की जरूरतें होती हैं, है ना, वांट्स होती हैं कि नहीं। आपका ये ऐप चल रहा है, इस ऐप को जून में रिन्यू करवाना है, गुरुजी कितना पैसा चाहिए, 12,000 रुपए। अब ये बताओ अगर आप लोग नहीं दोगे ना तो हम कैसे रिन्यू करेंगे, ऐप तो ख़त्म हो जाएगा, लेकिन ऐप को रिन्यू करना है। तो भाई हमारी भी तो कुछ नीड्स हैं कि डिजायर्स हैं, यहाँ पर माय डियर नीड्स मतलब आवश्यकताएं, डिजायर इच्छाएं। और जितने भी हमारे प्यारे साथी लगा रहे हैं डी, दे आर प्रेजवर्दी, प्रशंसनीय हैं, अति उत्तम, एक्सीलेंट, एक्सीलेंट आंसर डी, बहुत अच्छा भाई, चीयर अप करते चलो आप लोग, हैं फूल पत्ती बराबर भेजा करो, ठीक है, कोई भी संकोच नहीं, कोई कोताही नहीं, कोई कंजूसी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मर्चेंट वॉज रिनाउंड फॉर हिज सिंपल वे ऑफ लिविंग, नोटोरियस फेमस नोटेड नोटेबल, बड़ा गजब का क्वेश्चन आया 9 नंबर।
यहाँ पर भाई रवि जी ने बहुत अच्छा आंसर दिया है। रिनाउंड मतलब प्रसिद्ध होता है और नोटेड आंसर होगा, फेमस नहीं होगा। फेमस फेम से बना है जो लिमिटेड सेंस में होता है। रिनाउंड का मतलब होता है प्रसिद्ध। अब देखिए, अब आपको वेन डायग्राम मेथड लगाना है। जो नोटेड होता है ना, उस व्यक्ति को दुनिया जानती है। ग्रामेरियन से पूछा गया कि नोटेड क्या है, बोला कि जो बहुत प्रसिद्ध हो, जिसे सब लोग जानते हों। तो बोले फिर फेमस क्या है, फेमस इसका एक पार्ट है। फिर बोले नोटोरियस क्या है, बोले कि वो। तो लोगों ने कहा कि ये कैसे हुआ गुरु जी, समझाइए। तो बच्चा नारायण दास, ये जो नोटेड है ना, ये नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों होता है। ठीक है, अगर अच्छे सेंस में है तो उसे हम फेमस कह देते हैं, बुरे सेंस में है तो उसे हम नोटोरियस कह देते हैं। दोनों क्या है, दोनों नोटेड ही है। दैट्स ऑल। समझ में आया हो तो एक बार ठोको। सीमा जी आ गई हैं, काफी अच्छी स्टूडेंट हैं, बट रेगुलर नहीं रह पाती हैं क्लास में। रीजन कुछ भी हो, राम जाने, बट अच्छी हैं, लेबोरियस हैं, हार्ड वर्किंग हैं, इंडस्ट्रियस हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर देखते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, एंड आई होप एंड आई एक्सपेक्ट सो। आई हैव लर्न्ड अ ग्रेट डील। कीर्ति जी नहीं दिख रही हैं। वर्किंग इन फैक्ट्रीज आफ्टर फॉर अ टाइम आई हैव बीन अ वेदर। हियर आर माई टेस्टिमोनियल्स मिस्टर डेविश। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। टेस्टिमोनियल का मतलब क्या है? रवि जी इस समय बहुत अच्छा जवाब कर रहे हैं, वे बहुत ही साइलेंट रहते हैं लेकिन जोरदार आंसर करते हैं भाई। बहुत अच्छा, शाबाश। क्रेडेंशियल, टेस्टिमोनियल का मतलब है क्रेडेंशियल। कैन यू टेल मी द हिंदी ऑफ टेस्टिमोनियल, एनी वन ऑफ यू? कोई भी बताए आप में से। आंसर आपका सही आ रहा, बहुत अच्छा। टेस्टिमनी से बना टेस्टिमोनियल। अपोजिट की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट, द वाइफ फेंटेड अवे लेमेंटिंग द डेथ ऑफ हर हस्बैंड, स्माइलिंग, रिडिक्यूलिंग, एंजॉयिंग, रिजॉइसिंग। लेमेंट, प्रशंसा पत्र। भाई लेमेंटिंग का मतलब होता है दुख व्यक्त करना। पत्नी बेहोश हो गई, अपने पति की मृत्यु पर दुख व्यक्त करते हुए। अब लेमेंट का अपोजिट क्या होगा? तो माय डियर, रेजॉइस मतलब होता है आनंद मनाना, एंजॉय नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। खुशियां मनाने के लिए रिजॉइस आता है, ना कि एंजॉय। एंजॉय तो हम खुद से कोई चीज का आनंद लेते हैं। द राइट आंसर इज डी, रिजॉइसिंग होगा। और हमारे मोस्ट ऑफ स्टूडेंट सही आंसर कर रहे हैं। वेरी गुड। आई कांट अंडरस्टैंड हिम, ही इज रियली अ क्वियर फेलो। बहुत ही एवरेज लेकिन इम्पॉर्टेंट वर्ड है, ये ध्यान रखिएगा। क्वियर का मतलब होता है विचित्र, स्ट्रेंज, केयरलेस, ऑर्डनरी, अनयूजुअल। अपोजिट लगाना है 12 नंबर में। आंसर क्या हो जाएगा? ऑर्डिनरी। द राइट आंसर इज सी, हिज बुक्स आर वेल नोन फॉर दियर प्रोग्रेसिव आइडियाज, यूजलेस, ओल्ड फैशन्ड, कॉम्प्लेक्स, रिएक्शनरी। वर्ड क्या है? प्रोग्रेसिव। प्रोग्रेसिव का अपोजिट, प्रोग्रेसिव मीन्स प्रगतिशील। 13 नंबर में आंसर करेंगे। तो जो पीछे जाता है रिएक्शनरी हो जाएगा, अनुगामी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नहीं, ओल्ड फैशन्ड का मतलब ये थोड़ी को प्रोग्रेसिव नहीं होगा। रीता जी वेल डन। हिज डिस्पोजिशन टूवर्ड लेबर मेड हिम इंडियरिंग टू द मैनेजर। इंक्लिनेशन, अनविलिंगनेस, टेम्परामेंट, वॉचफुलनेस। डिस्पोजिशन के दो मीनिंग होते हैं, पहला स्वभाव, दूसरा रुख। रुख समझते हो ना, रुख मतलब प्रवृत्ति, प्रवृत्ति, रुख या प्रवृत्ति। तो डिस्पोजिशन का मतलब एक तरीके का कह लो विलिंगनेस। अपोजिट क्या होगा? अनविलिंगनेस। ओए भाई सही हो जाओ।
राइट आंसर इज बी। वेल डन। 10 सेकंड का टाइम लेते चलिएगा आराम से। ही डज एवरी जॉब विद ग्रेट जील एंड विगर। जील, इनडिफरेंस, कॉन्स्टेंट्स, पैशन, डिफिकल्टी। जील मीन्स उत्साह, अपोजिट लगाएंगे। इनडिफरेंस ऑप्शन ए, जील का अपोजिट होगा इनडिफरेंस। वेरी गुड शकीरा जी, नाइस अंजना एंड अदर्स। यू हैव प्लेड अ ग्रेट रोल फॉर योर हेल्प। आई पॉसिबली वुड हैव लैंडेड माई सेल्फ इन अ प्रॉब्लम आफ्टर, डेस्पाइट, अनलेस, विदाउट। हमारे ऐप में जितने भी साथी हैं, हमने सभी को आज ऐड किया है। सब लोग इस फाइनल, इस मेगा क्लास में, जो कि आज हमारे 6,000 MCQs पूरे हो रहे हैं, अपने आप में एक बड़ा काम है। इसमें सभी विद्यार्थी जोरदार तरीके से पार्टिसिपेट करें, जवाब दें। मज़ा तभी आएगा जब आप आंसर करेंगे, कुछ जोरदार आंसर करेंगे। सबसे दुख की बात यह है कि जो स्टूडेंट एडमिशन लिए हैं वो तो एक्टिव हैं, लेकिन जिनको हम ऐड करते हैं कि यही लोग भी थोड़ा पढ़ लें, वो एक्टिव नहीं है। दो चार स्टूडेंट छोड़ दो, मुश्किल से 4 स्टूडेंट, 5 स्टूडेंट ऐसे हैं जो ऐसे अनबैसे हैं जिनका एडमिशन इसमें लैंग्वेज भी नहीं है। पता नहीं इतने ईमानदार क्यों हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि जब आपको पढ़ना होता है ना, आप सिस्टमेटिक तरीके से सभी तभी पढ़ते हो जब आप किसी बैच में इंक्लूडेड होते हो, तो आपके पढ़ने का, जैसे कई लोगों का ये कमेंट आता है, क्वेश्चन ये आता है व्हाट्सएप की, सर हमें पेड बैच, लाइव बैच चाहिए आपका ग्रामर का या कोई भी बैच। वो इसीलिए माय डियर कि आप चीज़ों को बेहतरीन तरीके से करते हो। यहाँ पर मैं सभी साथियों को एक बार कहूँगा कि तेजी से आंसर लगाइए। आप किस आंसर के साथ जाना पसंद करेंगे? द राइट आंसर इज, बताएंगे 16 नंबर में। अमित जी, गुड इवनिंग। विदाउट जितने भी साथी लगाएंगे, दे आर एब्सोल्यूटली राइट। अपर्णा जी, बी रेगुलर, लेकिन आप आज आ गए हो, बहुत अच्छा लगा भाई। क्योंकि सभी लोग रहेंगे तभी मजा आएगा, और सिलेक्शन आप में से ही निकलेंगे। बस परसिवेरेंस विद पेशेंस लीड्स टू सक्सेस। जितने लोगों का जवाब सही है बताएंगे, अर्थ निकाल के देखो। यू हैव प्लेड अ ग्रेट रोल, आपने बहुत भूमिका निभाई है, बड़ी भूमिका निभाई है। फॉर मीन्स चूंकि, विदाउट योर हेल्प, बिना आपकी सहायता के, आई पॉसिबली वुड हैव लैंडेड माई सेल्फ इन अ प्रॉब्लम, संभवतः मैं अपने आप को समस्या में डाल देता। द राइट आंसर इज डी। फेट स्माइल्ड हिम इन ऑल हिज वेंचर्स। लिटरेचर पढ़ने वाले लोग राइट आंसर तो करेंगे ही। अजय जी आई थिंक कहीं बिजी हो गए होंगे अपने जॉब मीटिंग में। आप सभी लोग, जितने लोग हैं, रिप्लाई करेंगे। श्वेता जी, अपर्णा जी, माय डियर, अगर किस्मत आपका साथ देना, आप थोड़ा सा चलते हो, मंजिल की ओर पहुंच जाते हो, रिजल्ट बहुत बड़ा आ जाता है ना। लाफ के बाद एट लगाते हैं, थोड़ा सोचो दिमाग से। हम लाफ के साथ एट लगाते हैं। लाफ मतलब हंसना, स्माइल तो उससे छोटा होता है ना, मुस्कुराना। केवल इसमें थोड़ा सा लाफ का सेंस होता है। अब जितना भी विद्यार्थी नहीं पढ़ा होगा, सब लगाएगा सी, लेकिन सी आंसर नहीं है, द राइट आंसर इज बी। और स्माइल ऑन का बड़ा सुंदर अर्थ होता है,
साथ देना, जब किस्मत आपका साथ देती है, आप जूलियस सीजर पढ़ेंगे तो ये फ्रेज मिलता है स्माइल ऑन, तो स्माइल ऑन का मतलब है टू सपोर्ट, फेट स्माइल्ड ऑन हिम इन ऑल हिज वेंचर्स, यानी कि किस्मत ने, नसीब ने सभी जोखिम भरे कार्यों में उसका साथ दिया। क्वेश्चन अच्छा लगा होगा, आई होप सो। 18, आई सॉ हिम रेस्टिंग द शेड ऑफ अ ट्री। ये ऐसा क्वेश्चन है माय डियर कि जो कई बुक्स में भी गलत आंसर दिया है, आज मैं इसका पीएम करूंगा। देखो जी, जितने भी साथी हमारे सी आंसर लगा रहे हैं, कई बुक्स में भी सी आंसर दिया हुआ है जो कि गलत है। द राइट आंसर इज डी। एक्चुअल में डी आंसर ही होगा। कारण यह है, अगर केवल ट्री आता तो अंडर लिखा जाता, लेकिन जब भी शेड आए तो फ्रेज होता है इन द शेड, छाया में। इन द शेड यानी छाया में, इन लगेगा। मजा आया, रेस्टिंग इन द शेड ऑफ अ ट्री। देखिए भाई, शकीरा जी ने भी आज शानदार डांस किया है, इनका क्वेश्चन सही है, बहुत अच्छा। इसी तरीके होना भी चाहिए सभी लोगों को भाई, है जिनका सही होना उनको सेलिब्रेट तो करना ही चाहिए। एक्टिव रहा करिए, बिना कहे थम्स अप चीयर अप करते रहा करो, दो चार पांच क्वेश्चन के बाद में। इससे क्या है ना, एंड्रोफिल्स नामक हार्मोन आपके अंदर आएगा, जब कॉन्फिडेंस और खुशी का भाव होता है तब वो आता है। बिसाइड्स अदर प्रोविजंस द शॉपकीपर डील्स कॉस्मेटिक्स टू। अगर किसी भी लेडी का आंसर ये गलत हुआ तो समझ लेना, फेयर सेक्स में किसी का आंसर रॉन्ग नहीं होना चाहिए, राइट? क्यों? क्योंकि कॉस्मेटिक्स की बात है ना। चलिए सुनिए, अगर डील के बाद वस्तु दी हो तो इन लगाते हैं। कॉस्मेटिक्स वस्तु ही तो है, सौंदर्य प्रसाधन की चीजें। अगर व्यक्ति हो तो विद लगाते हैं, जैसे डील इन राइस। क्वेश्चन बहुत अच्छा है। नहीं, इंटरनेट तो मेरे यहाँ है, देखता हूँ। थोड़ा सा लाइन पर रहिए, आप चेक करते हैं, लाइन पर रहिए। जांच किया और सही पाया, इंटरनेट है। आई विल बी अ लॉस इन दिस डील। फ्रेज नोट करेंगे, कभी गलत नहीं होगा। एट अ लॉस, नुकसान पर होना, ऑप्शन सी। आज हम लोग टोटल 50 क्वेश्चन करेंगे माय डियर, राइट? एकदम पूरे 10 बजे रात तक क्लास चलेगी। इम्प्रूव द सेंटेंस, आराम से पढ़िए। अ ट्रू सोल्जर इज ऑलवेज प्रिपेयर टू लाई डाउन हिज लाइफ फॉर द शेक ऑफ द नेशन। इट्स योर टाइम। 10 सेकंड में फटाफट आंसर भेज दिया करो, और कंपटीशन थोड़ा होना चाहिए, कॉम्पिटिटिव फीलिंग, कि मेरा आंसर अपर्णा से पहले शिवांगी का आंसर आएगा, ये होना चाहिए भाई। तेजी से जवाब करिए। ध्यान रखना, यहां लाए नहीं होगा, ले डाउन होगा, जीवन को समर्पित करने के सेंस में। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेहा खन्ना जी, बहुत ही अच्छा आंसर। इट वॉज क्वाइट क्लियर दैट द रनर कुड नॉट एबल टू इम्प्रूव अपॉन हिज ओन रिकॉर्ड। अगर सही जवाब जाए तो थम्सअप करते चलेंगे। थोड़ा सा गले में मुझे प्रॉब्लम लग रही है, और सही हो जाएगा।
सभी साथी याद रखेंगे कि कुड के साथ या कैन के साथ कभी एबल या अनेबल नहीं आता, तो हम क्या करेंगे, उड बी एबल लिखेंगे और जितने भी साथियों का राइट आंसर है प्रेजवर्दी, प्रशंसनीय, सी इज द राइट आंसर, मिलन यादव, शैलजा सिंह, गुड। दे आर ऑल चार्म्ड बाय द स्वीट एंड स्वीदिंग म्यूजिक। जिनका सही जवाब जाया करे, थम्स अप, चीयर अप, ऐसे ही करते चलें। फूल पत्ती इसमें फ्री मिलता है, कहीं से कोई पैसा खर्च करके नहीं लाना है ना, कोई पैसा खर्च नहीं करना आपको। क्वेश्चन नंबर जो 24 है ना, इसमें आप थोड़ा सा ये काम करो कि मुझे पोल के माध्यम से बताओ कि कौन सा आंसर होगा, ताकि मैं पकड़ सकूं कि कितने लोग कहाँ जा रहे हैं। आपको मैं 1 मिनट का टाइम दे देता हूं और पोल लगा देता हूं, ठीक रहेगा? चेक करिए, फटाफट पोल करिए, तेजी से पोल करेंगे। पोल आपके सामने आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 24 में ए बी सी डी लगाएं, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल कर लीजिएगा, टाइम केवल 40 सेकंड बचा हुआ है आपके सामने स्क्रीन पर, तेजी से जवाब करिएगा। ओनली 30 सेकंड्स रिमेनिंग। ट्वेंटी सेकेंड्स, आठ लोगों ने केवल अभी तक पोल किया है, 10 सेकेंड्स बचे हुए हैं केवल, 9 लोगों ने अटेम्प्ट किया है, 1 लोगों ने सी आंसर दिया है। ए आंसर के साथ 1 लोग, 11 लोग आ गए हैं, मतलब 13 लोगों ने पोल किया। चलो बहुत अच्छा जवाब कर रहे हो आप लोग, मन खुश है आपसे, मतलब लग रहा है इम्प्रूव इम्प्रूव किया है लग रहा है मुझे, क्योंकि यहाँ पर राइट आंसर आपने डी लगाया है और बी जी आंसर आंसर आंसर, बहुत अच्छा आंसर, वेल डन, सुपर, शाबाश। अब सीधे आप लोग चैट में आ जाइए, कोई बात नहीं है, 23 था वो प्रॉब्लम, थोड़ा सा हो गई लिखने में, कोई बात नहीं, नो मेंशन, लेकिन वो 23 था तो 23 का ही माना जाएगा। 24 देखें, विच विद अ थंडरिंग रोर एंड ह्यूज रॉकेट सोर्ड अप फ्रॉम द लॉन्चिंग पैड, शोर्ड ऑफ, सोर मीन्स होता है बहुत, उड़ान से उड़ान भरना, गो अपवर्ड का मतलब होता है ऊपर की ओर जाना। द राइट आंसर इज बी, बी जवाब आपका सही होगा। टेक ऑफ उड़ान भरना होता है, लेकिन रॉकेट के लिए, रॉकेट जब लॉन्च किया जाता है तो गो अपवर्ड का यूज करते हैं। माई एल्डर सिस्टर एंड हर डॉटर हेल्प्स मी इन माई डोमेस्टिक वर्क। पहली चीज तो ये पकड़ो कि जब एंड से एड है हमारा, तो यहाँ हेल्प्स नहीं होगा, राइट? तो ऑप्शन हेल्प वाला होगा। अब यहाँ दो ऑप्शन है, हेल्प मी इन, तो इन ही होगा, ना कि अबाउट। 25 में माई डियर क्या आंसर लगा रहे हो आप, सी बी आंसर लगा रहे हो, हेल्प मी इन, राइट आंसर बी। 26, थोड़ा नए प्रकार के क्वेश्चन है जो आपका कमीशन पूछता है, बिल्कुल वही पैटर्न, एलिट्रेशन में भी डिफाइंड एज, लीजिए अब तो बताना पड़ेगा, क्यों प्रतिमा जी, एलिट्रेशन क्या होता है? ये रिपीटेशन ऑफ अ स्पीच साउंड इन अ सीक्वेंस ऑफ है एलिट्रेशन। द राइट आंसर सी, सी
इज द मीनिंग ऑफ द डेमागॉग, डेमागॉग का मीनिंग बताएं। कोई ऐसा व्यक्ति जो जनता को भड़काता है उसे हम क्या कहते हैं? डेमागॉग बोलते हैं, है ना? तो भाई यहां पर आंसर क्या लग जाएगा? ए आंसर हो जाएगा। एक लिख रहा है, अ लीडर हु इज कमिटेड टू द नेशन। अरे भड़काऊ नेता होता है, ऑप्शन ए लगेगा 27। कहां कंफ्यूज हो रहे हो? ऐसा नेता जो कोई सिद्धांत का नहीं होता, पॉपुलर होता है, भड़काऊ बातें बोलता है। मेंजरी इज द प्लेस फॉर, यहां वो कौन सी जगह है जिसे हम मेंजरी कहते हैं? मेंजरी का मतलब होता है ऐसी जगह जहां पर जंगली एनिमल्स को और बर्ड्स को रखा जाता है, लोगों को दिखाने के लिए कैद करके रखा जाता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तेजी से जवाब करेंगे, अंदाज नहीं चलेगा यहां पर, बी आंसर राइट होगा। बहुत अच्छा जवाब, माय होम पूनम सीमा। ये सबको सही आना चाहिए। अ टीट टेलर इज, अ टीट टेलर इज वो व्यक्ति, वन हु डज नॉट टेक एनी इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक, जो बिल्कुल भी नशा ना करता हो, बियर तक ना लेता हो, है ना, उसे कहते हैं टीट टेलर। टीट टेलर ऑप्शन बी। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। टू मच ऑफिशियल फॉर्मेलिटी, आप जवाब करें। लाल फीता शाही, ऑप्शन डी। फ्रेज देखेंगे, आदित्य वॉज नॉट सिलेक्टेड फॉर द जॉब ऑफ अ मेडिकल ऑफिसर बिकॉज ही वॉज वेट बिहाइंड द ईयर्स। वेट बिहाइंड द ईयर्स का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जिसको अनुभव ना हो, इन एक्सपीरियंस्ड। बड़ा अच्छा इडियम है, बी आंसर लगेगा, इन एक्सपीरियंस्ड, अनुभवहीन। नेक्स्ट, कई साथी डी के साथ जा रहे हैं जो कि गलत है। वॉट इज द मीनिंग ऑफ द इडियम इन सैंड आउट्स? पूर्ण डिटेल, फुल डिटेल्स, ऑप्शन सी। वॉट इज द मीनिंग ऑफ द फ्रेज डिस्पेंस विद बुक्स, डिस्पेंस विद द बुक्स, किताबों से छुटकारा पाना, डू अवे विद द बुक्स, डिस्पेंस मतलब छुटकारा, बी ऑप्शन होगा। द राइट आंसर इज बी, 34 क्यों चले। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑन द अलर्ट? तेजी से आंसर करिए और स्पीड बढ़ाइए। जब आप किसी काम को करने के लिए एकदम तैयार होते हैं, रेडी टू एक्ट। टू फाइंड फॉल्ट विद इज वन वर्ड इज। टू फाइंड फॉल्ट विद का मतलब क्या है? क्रिप्टिक, प्रिसिएट, क्रिटिसाइज, कर्टल, आलोचना करना, क्रिटिसाइज। कर्टल तो जानते हो, कटौती करना। फाइंड आउट द मिस स्पेल्ड वर्ड, तेज से जवाब करें। और आज आपको सही स्पेलिंग कमेंट में लिखना है, मेरे बताने के बाद आप भी अपना स्पेलिंग कमेंट में लिखिए। 36 में राइट स्पेलिंग आप छापिए, एक्सप्लेनेशन की क्या होती है। EXPLANATI, आई नहीं होगा, सभी लोग कमेंट में छाप देंगे एक बार। सही स्पेलिंग लिखिए फटाफट 37 में, तेजी से रेस्पॉन्ड इमीडिएटली। कमेटी की सही स्पेलिंग आप लोग कमेंट बॉक्स में छापिए फटाफट, 37, वेरी गुड, तेजी से भाई, स्पीड बना के। थर्टी एट, सेलिबेसी की स्पेलिंग रॉन्ग है, कमेंट में छापिए फटाफट।
सैली बैसी की स्पेलिंग रॉन्ग है, कमेंट में छापिए, जस्ट कमेंट, रेस्पॉन्ड इमीडिएटली। ग्रिगेरियस फैटलिस्ट फरिश्ता। 39 में बताएंगे सेंटर की स्पेलिंग गलत है, अमेरिकन और ब्रिटिश का चक्कर भी याद रखोगे, ये अमेरिकन में तो सही है लेकिन ब्रिटिश में गलत है। ब्रिटिश में क्या होती है स्पेलिंग भाई, सेंटर की CENTRE, सेंटर, सेंटर में अच्छे से CENTRE, सेंटर, ये अमेरिकन में है और ये ब्रिटिश इंग्लिश। 40 नंबर, ब्रीफ की स्पेलिंग रॉन्ग है, सही स्पेलिंग कमेंट में छापिए, जिसकी जिसका मतलब शोक संतप्त होता है, तेजी से कमेंट करें। 40 क्वेश्चन पूरे हो गए, लेकिन आज आपके लिए मैं लेकर के आया हूं एक बहुत ही बेहतरीन क्लोज टेस्ट जिसे आप सेल्फ करेंगे। आपके पास 3 मिनट्स का टाइम है, पहले तो आप इसको पढ़ जाइए पूरा क्लोज टेस्ट अच्छे से, फिर हम आपको क्वेश्चन डिस्प्ले करेंगे। यूनिट 1 मिनट फॉर रीडिंग, जस्ट रीडिंग हो गई, यस। अब हम लोग क्वेश्चन की ओर चल सकते हैं, प्रोसीड करें। 41 में अल्टरनेटिव्स पढ़िए, ओकेजन, एक्सक्यूज, इवेंट, अपॉर्चुनिटी, लग सही आंसर। एडवर्टाइजिंग इज द प्रमोशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इट प्रोवाइड्स एन टू द मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, क्या प्रोवाइड करती है, जवाब करें। थोड़ा नेट की प्रॉब्लम समझ में आ रही है बट वो सही हो जाएगी, आंसर करिए भाई फटाफट। बहुत अच्छा जवाब, अपॉर्चुनिटी, अवसर, डी इज द राइट आंसर। प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज टू सेल दियर, 42 में क्या लगाएंगे, बोलेंगे आउटकम, प्रोडक्ट्स, कंपाउंड्स, क्रिएशन, प्रोडक्ट्स हो जाएगा बी, टू सेल दियर प्रोडक्ट्स बेटर देन दियर कॉम्पिटिटर्स एवरी टाइम वी स्विच। 43 में देखिए अल्टरनेटिव्स, इट्स योर टाइम, वी स्विच, बोलो स्विच ऑन लगेगा, स्विच ऑन द टेलीविजन, वी फाइंड सम प्रोडक्ट और द अदर। 44 टू बी या बींग या बी या बीन, बी के सभी फॉर्म है तो पुस्ट के पहले बी का कोई फॉर्म आएगा तो बींग यहां पर अप्रोप्रिएट है। 44 में द अदर बींग पुस्ट टूवर्ड्स अस, बींग प्लस थर्ड फॉर्म, बींग नहीं होगा, पैसे जा रहा है, काम कंटिन्यू है ना, यानी कोई भी हमें प्रचार दिखाया जा रहा है, सम प्रोडक्ट और द अदर बींग पब्लिश टूवर्ड्स अस, इट कैन बी डिनाइड that the behind commercial advertising is to increase sales and earn more profit. 45 देखेंगे, influence emotion motive feeling, ये last वाला question बहुत अच्छा है। और यहां पर जितने भी मेरे प्यारे साथी सी आंसर लगा रहे हैं, मोटिव, मोटिव मतलब
कारण होता है, किसी चीज के पीछे का रीजन होता है, रीजन बिहाइंड एनीथिंग एनी एक्शन, द मोटिव बिहाइंड कॉमर्शियल एडवर्टाइजिंग, क्या मोटिव, उद्देश्य क्या होता है, मोटिव क्या होता है, वो होता है इंक्रीज सेल्स, क्यों लोग ऐड करते हैं, आप इतना ऐड देखते हो ना, वो डी आंसर होगा, उद्देश्य पीछे का। आइए कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस किए जाएं। ओनली इंडियंस आर बड़े लिमिटेड, बड़े प्यार से पढ़िए, पूरा थर्ड दे रहा, सेकंड दे रहा हूं। एम मोटिव, यस वेरी गुड। भाई हमारे प्यारे साथी मन खुश कर दे रहे हैं आज, ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल, इफ यू आर नॉट इंडियन यू कैन नॉट बी एडमिटेड, बिल्कुल सही आंसर है, आपने कॉम्प्लेक्स में चेंज किया है, वेल डन। ही बॉट हिज अंकल्स लाइब्रेरी, ध्यान से जवाब करेंगे, बहुत ही घुमा फिरा के जवाब दिए गए हैं यहाँ। 47 इसे भी आपको कॉम्प्लेक्स में चेंज करना है। He bought the library which belonged to his uncle. और जितने भी मेरे प्यारे साथी बहुत अच्छा आंसर कर रहे हैं, बी के साथ जा रहे हैं, they are absolutely right. स्क्रीन में एकदम सही आंसर दिख रहे हैं, शाबाश, well done. 48. Transform the following sentence into exclamatory sentence. Exclamatory में चेंज करो, he leads the most unhappy life. इसे आप exclamatory में चेंज करिए। थोड़ा सावधानी रखते हुए जवाब करेंगे, आंसर सही आएगा। वेरी गुड सीमा एंड अदर्स, सीमा जी बहुत अच्छा। व्हाट एन अनहैप्पी लाइफ ही लीड्स, बिल्कुल सही जवाब आपका है ए, एक्सक्लेमेटरी आपने बहुत अच्छा चेंज किया है। विच काइंड ऑफ सेंटेंस इज द फॉलोइंग, क्वेश्चन भैया क्या कह रहा है, ही कन्फेस्ड दैट ही हैज कमिटेड द क्राइम, ये किस प्रकार का सेंटेंस है, दैट से जुड़ा है, मुझे कुछ नहीं कहना, तेजी से जवाब आएगा सभी प्यारे साथी। और यहां पर जितने भी साथी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस लगा रहे हैं वो बिल्कुल सही हैं, वेल डन। लास्ट क्वेश्चन इज बिफोर यू, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू अ कॉम्प्लेक्स, इसको भी सही कर देना, याद रखना, ही रिसीव्ड द कॉल ऑफ द फ्रेंड एंड लेफ्ट फॉर दिल्ली राइट अवे, इसे कॉम्प्लेक्स में चेंज करना है, ध्यान से जवाब करेंगे। एंड से जुड़ा है, कंपाउंड है, और कंपाउंड को कॉम्प्लेक्स में चेंज करना है, खूब टाइम ले लो 30 seconds, लेकिन सही आंसर करना, रेस्पॉन्ड इमीडिएटली द राइट आंसर। इस बार हमारे साथी थोड़ा सा कंफ्यूज होते हुए, क्योंकि एंड को देयरफॉर कैसे कर सकते हो माय डियर, चेंज किस में करना है ये देखा जाता है, कॉम्प्लेक्स में चेंज करना है, और देयरफॉर क्या आप लगा करके बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। प्रतिमा सहगल जी यहाँ पर राइट आंसर है, श्वेता वाजपेयी राइट है,
एज सुन एज में चेंज होगा, एज सुन एज ही रिसीव द कॉल ऑफ हिज फ्रेंड ही लेफ्ट फॉर दिल्ली, सी इज द राइट आंसर। कैसी लगी प्रैक्टिस, कैसा रहा हमारा ये सेशन, आप लोग आज दिल खोल के कमेंट करिए, बाद में कमेंट सो नहीं होता आपसे। जब मैंने ऑफलाइन बैच की बात की तो हमारे कुछ प्यारे ब्लू आइड स्टूडेंट्स को सौतन वाला डर लगने लगा, ऑनलाइन की सौतन ऑफलाइन, कि सर हमारे ऑफलाइन फिर पढ़ाने लगेंगे, कहीं ऑफलाइन को ज़्यादा प्यार ना करने लगे। तो मैंने देखा कि आपके मन में डर है, और प्रयागराज में रहने के बावजूद हमने ऑफलाइन कोचिंग को ना कर दिया, ऑनलाइन में मैं आया, और इसके लिए मुझे आपका भरपूर सपोर्ट चाहिए। माय डियर, फाउंडेशन बैच जो मैंने लॉन्च किया है, यदि इसको आपने सफल बनाया तो फिर बहुत जल्दी मैं इंग्लिश का एक प्रैक्टिस बुक भी आपके बीच भेजूंगा। थैंक यू। और ये फाउंडेशन 4 महीने का है, 1 साल में 3 बैच, ये हमारी प्लानिंग है, और इसके साथ 6 मंथ का हमारा प्रैक्टिस बैच होगा, वर्ष में 2 बैच। ये रेगुलर बैचेज आपके ऐप में रहेंगे। इतनी नॉमिनल फी कर दिया हूं कि जिसे कोई भी अफोर्ड कर सकता है, वो इसकी एक्चुअल जो फी रहेगी हमेशा 1999 रहेगी, लेकिन इस बैच के लिए कूपन से डिस्काउंट है 15 मई तक। माय डियर, इसमें आप जरा भी संकोच मत करिएगा, इस बैच को जरूर ज्वाइन करिएगा। ये कम से कम आपके 10 क्वेश्चन प्लस कराएगा वोकैब और ग्रामर में। इसको पढ़ने के बाद आप ये नहीं कहोगे कि सर मेरा ग्रामर तो ठीक, वोकैब कमजोर है, क्योंकि इसमें मेरी प्लानिंग कुछ ऐसी है कि अगर 3 दिन हमने डेडिकेटेड किए हैं ग्रामर को, वोकैब कम दिया है, तो लास्ट 2 डेज कम से कम हमारे वोकैब को डेडिकेटेड होंगे। वर्ड पावर बहुत ही अच्छे से हो जाएगा। हमारे बीच में नेहा खन्ना जी, जिनके पास टाइम भी कम रहता है, इनका डिनर टाइम भी यही रहता है, ये ज्वाइन कर चुकी हैं, अजय जी ज्वाइन कर चुके हैं, बहुत सारे साथी हैं, नाम किसके किसके लो, आज ही की डेट में ज्वाइन कर चुके हैं, आई थिंक शालिनी जी भी ज्वाइन कर चुकी हैं, और भी कई साथी ज्वाइन किए हैं। जैसे ही आप लोगों की संख्या 20 हो जाएगी या 15 मई आ जाएगा, 15 मई, ठीक है, तो आपका ये ऑफर समाप्त हो जाएगा। बाद में मत कहना कि गुरुजी हमको भी तो करना था, ये आपने फीस क्या बढ़ा दी। रेगुलर इसकी फी जो रहेगी मिलन जी, वो यही रहेगी। आप लोगों को मैं इस भरोसे के साथ कह सकता हूं कि इस बैच, आप यदि भरोसा करते हो तो ज्वाइन करो, दैट्स ऑल। इस बैच से आपको एडवांटेज मिलेगा, सबसे बड़ी चीज कि आप कनेक्टेड फील करते हैं और कुछ सीखते रहते हैं। अभी मैं आपको कुछ नहीं वादा करूंगा लंबे लंबे, लेकिन मेरी प्लानिंग ये है कि इस बैच में मैं आपको वर्ड पावर में नॉर्मन लुइस की भी एक्सरसाइजेज लेकर के आऊंगा, ये मेरी प्लानिंग है, रेन एंड मार्टिन की एक्सरसाइजेज। और जो अभी एक स्टूडेंट का फोन आया, गुरुजी हम तो पढ़ चुके हैं, देखिए बुक, अभी मैं जो बुक लाऊंगा उसमें लिटरेचर लैंग्वेज दोनों होगा, वो प्रैक्टिस बुक है, ऐसी प्लानिंग है। हो सकता है पहले केवल लैंग्वेज आ जाए, बाद में लिटरेचर आए। देखो जी, एक लोगों का फोन आया, गुरुजी हम तो आपसे इंग्लिश पढ़ चुके हैं, क्या फाउंडेशन करना जरूरी है? मैंने उनको सीधे बताया, जितना आप पढ़ चुके हो उसमें 25 और प्लस कर दो परसेंटेज। अगर आप 100 पढ़ चुके हो तो इस बार 125 मिलेगा। अब ये आपकी मर्जी है कि आपको करना है कि नहीं। मैं आपको ये बात बहुत दावे के साथ बोलता हूं कि अगर मैं आपसे 1000 फी ले रहा हूं और मैं आपके साथ 4 महीने लाइव क्लास दूंगा, क्या कोई ज्यादा फी ले रहा हूं? आप खुद बताइएगा, मेरे जगह रख करके सोच करके, क्या कोई बहुत बड़ा मैं आपसे अमाउंट ले रहा हूं? नहीं। और नहीं तो फिर इसको आप परहेज मत करिएगा, अपने दिल को मत दबाइएगा, ठीक है। ये मैं आपका मेहनत का पैसा बेकार नहीं जाएगा, ये मैं आपको भरोसा दिलाता हूं। सभी लोग इस बैच को ज्वाइन करें, ये पहला बैच है, और इसे इतना शानदार बनाइए यादगार हो जाए ये फाउंडेशन बैच। कैसे फाउंडेशन बैच बाय करना है? अपर्णा जी, सभी लोग ध्यान देंगे, स्टोर ऑप्शन में जाइए, स्टोर ऑप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। हालांकि मैंने आपके जो इवास टेलीग्राम है वहां भी लिंक सेंड किया है, तो स्टोर ऑप्शन ओपन करिएगा तो आपको दिखेगा। अगर कोई प्रॉब्लम है, नहीं बैच शो होता है, तो आप बताइएगा, कॉन्टेक्ट नंबर आपके साथ में है, बात कर लीजिएगा, राइट। सो थैंक यू वंस अगेन, शुक्रिया, तहे दिल से धन्यवाद।
और आपको ये भी बताते चलें कि ये जो हमारा ये बैच है आज से कंप्लीट हुआ, 6000 एमसीक्यूज, 50 सेट, लेकिन इस बैच को हम इनएक्टिव नहीं होने देंगे। याद रखिएगा, प्रत्येक संडे को एक ऑनलाइन टेस्ट यहां पर आपको मिलेगा लैंग्वेज का, और प्रत्येक संडे को टीजीटी और पीजीटी वाले में लिटरेचर का एक ऑनलाइन टेस्ट मिलेगा 25 क्वेश्चन का। उसे आप अटेम्प्ट करिए, आप नहीं करोगे तो इनएक्टिव आप कहलाओगे, मैं नहीं। इनएक्टिव नहीं होने देंगे, टाइम टू टाइम हम आपके बीच आते रहेंगे। सो आज इतना ही, मिलते हैं फिर हम लोग। अब कब मिलेंगे? फाउंडेशन की बैच में 15 मई को मिलेंगे, बकाया यूट्यूब में अभी हम लोग चलते रहेंगे, चलते रहेंगे। किसी दिन दिल करेगा तो ऐप में भी आएंगे, अदरवाइज 1 सप्ताह के लिए ऐप ब्रेक रहेगा, है ना, और यूट्यूब में क्लासेज हमारी कंटिन्यू रहेंगी, प्रैक्टिस भी कंटिन्यू रहेगी। आज इतना ही, कोई विशेष बात है मुझे व्हाट्सएप करना, नंबर आपके साथ में है। टेक केयर, गुड नाइट, थैंक यू वेरी मच वंस अगेन, ऑल द बेस्ट, गुड लक।